नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे रेवाड़ी की बड़ी खबरों के बारे में, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को बता देता हूं कि रेवाड़ी में हुआ बड़ा हादसा। देखिए, कल आपको बता देता हूं, रेवाड़ी के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ है जिसके अंदर दो व्यक्तियों की मौत हुई है। ये हादसा बाइक सवार दो व्यक्ति, आपको बता देता हूँ कि बाइक पर दो लोग आ रहे थे आमने सामने से, एक रॉन्ग साइड से आ रहा था, इसी के चलते उनके आपस में टक्कर हो गई थी। इस कारण एक व्यक्ति की तो जो बाइक चालक था उसकी मौत हो गई और एक वहाँ पर पैदल जा रहा था उसकी मौत हो गई। आपको बता देता हूँ कि इस मामले के अंदर जो पुलिस ने मामला दर्ज किया था वो एक आदमी के खिलाफ किया है जो कि वहाँ से फरार हो गया। हालांकि पुलिस को अभी उस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चला है, आगे देखते पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इसके बाद रेवाड़ी के ये लोग खुद को लगवा रहे चूना। साइबर ठगी, रेवाड़ी के अंदर साइबर ठगी लगातार बढ़ती जा रही है। बार बार सरकार के कहने पर हम भी आपको न्यूज़ में बताते रहते कि कोई भी आपसे OTP पूछे तो ना बताएं, और बैंक का कोई भी कर्मचारी आपसे कभी भी OTP नहीं पूछेगा। लेकिन लोगों को नहीं पता, ये बात समझ में नहीं आ रही या क्या चक्कर है, लोग फिर भी लोगों को OTP बताने लग रहे हैं। पूरी घटना ये कि सेक्टर 4 निवासी रेवाड़ी का एक व्यक्ति के साथ 65,000 रुपये की ठगी हुई है। उसने कहा कि मैंने क्रेडिट कार्ड ले रखा था और किसी का फ़ोन आया और कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड से लगभग 65,000 कटे हैं रुपए। इसके बाद अगर आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं की तो हम आपके जो क्रेडिट कार्ड को बंद कर देते हैं ताकि फ्रॉड ना हो सके। इसके चलते एक OTP आपके पास आएगा, वो आप बता दीजिए। वो आदमी जो सेक्टर 4 निवासी था उस व्यक्ति के झांसे में आ गया और उसने उसको OTP बता दिया, और OTP बताते के साथ ही 65,000 रुपये उस व्यक्ति के उड़ा लिए उसने। उसके बाद आज की आखिरी खबर आपको बता देता हूँ कि देखिए, यूपी में और 3 राज्य और जहाँ पर BJP की जीत हुई है, इसके चलते BJP के जो कार्यकर्ता है रेवाड़ी के अंदर, कुंड के अंदर, धारवेड़ा के अंदर, सभी जगह मतलब खुशी से नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। और उन्होंने कहा ये पूरी देश की जीत है, सिर्फ भाजपा की नहीं, पूरे देश की जीत है। और वहीं आम आदमी पार्टी के भी लोग खुशी मना रहे हैं, जो कि पंजाब में आप सभी को पता है कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव जीता है। रेवाड़ी की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रोजाना आपको रेवाड़ी की बड़ी खबरें इस चैनल पर मिलेंगी। इसी के साथ धन्यवाद।